मतलब ये समझो जी 20 किलो तो देना ही देना है, कन्फर्म कांटे का तोला। जी जी, ये आप देखें जी, शराफत देखें, नसों का जो जाल है वो आप देखें, और थन पासे हैं वो आप देखें, काफी बेहतरीन, काफी जबरदस्त जो पोसाव है थनों का वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो एक और कांटे के तोल की सुपर मुर्रा बफलो हम कह सकते हैं, आप यहां पे देखें, जिला रेवाड़ी का गांव है निमोट, किरसन निमोट सर है, आप यहां पे देखें, काफी अच्छा जो सिलेक्शन है आजकल इनका डे बाय डे हो रहा है, अच्छा पशुधन लेकर के अपने एरिया में फिर से जबरदस्त जो वावाई है वो लूट रहे हैं, जबरदस्त हाइट लेंथ बॉडी वेट का जो पशुधन है। एक और जो बफलो उसकी मिल्किंग आपको दिखाएंगे, वो भी कांटे के तोल की सुपर मुर्रा बफलो। सीधा लेकर के चलते हैं कृष्ण सर के पास, जानेंगे डिटेल्स। नमस्कार कृष्ण जी। नमस्कार संदीप भाई, कैसे हो सर? बढ़िया भाई संदीप। तो आज कांटे के तोल? हाँ, कांटे का तोल करेंगे जी, तीसरे ब्याह पे जोड़ती है, तीसरे ब्याह, दूसरे ब्याह में इसने 20 किलो दूध दिया है। ठीक है, अब तीसरे ब्याह में है और 13 दिन की ब्याह हो गई, 13 दिन की। तो नीचे फीमेल का नीचे कटड़ी है, ठीक है, अर्जुन बुल की ओरिजिनल, कोई भी भाई डीएनए टेस्ट करवा सकता है गारंटी के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत कई भाई कहते हैं सभी ये होती है वो, हाँ, चेक करवा सकता है। ठीक है, अर्जुन बुल की बिल्कुल प्योर जेड ब्लैक टेल में जो हीफर है वो आप इसके नीचे जो कट्टी है काफ, तो पशुधन आप देखें 20 लीटर का अंदाजा है, 20 किलो भी हो सकता है, 19 है, हो सकता है, ठीक है, दूध ज्यादा पिलाते हैं। जी जी ठीक है, थोड़ी लाड की तो मिल्किंग कराओगे सर इसकी? मिल्किंग कराएंगे, ठीक है, तोल भी कराएंगे। खोले बच्चों और छोड़े इसके नीचे, जो भी एक मिल्किंग वीडियो रेफरेंस के लिए अपने पशुपालक भाइयों के लिए डाल रहा हूं, सबसे पहले जो समय का मिलान है वो भी करा करके दिखाना चाहेंगे। पशुधन आप देख सकते हैं हाइट लेंथ से लेकर के जो पीठ पुट्ठा है वो काफी जबरदस्त, काफी बेहतरीन किस्म की थर्ड टाइमर बफलो आप यहां पे देखें, और समय है, समय आप यहां पे देखें। हाय बिक्सी, प्लीज टेल मी द एग्जैक्ट टाइम एंड डेट। आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट, प्लीज टेल मी द एग्जैक्ट टाइम एंड डेट। आई डिडंट अंडरस्टैंड, दूध ना देना, मेरा आगे कान पकड़ लिया बात, देवा देवा दी तमने सारे भाइय ने बताऊ, अपने पशुओं ने एलडीएम पाओ, शमा पे पसाओ और टाइम पर सही दूध पाओ। यह एलडीएम ना हरेक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, और ऑनलाइन मंगान खातर अमेजोन और फ्लिपकार्ट का प्रयोग कर सको हो, और जब और भी कम कसर रहेगी हो ना 80,595,37,000 में फोन कर लियो। ओके गूगल, नाउ प्लीज टेल मी द एग्जैक्ट टाइम एंड डेट। इट इज 5:50 PM, द 16th of October 2022। ये आप देखे जी, 5:50 शाम का समय, 16 अक्टूबर 2022, और जो दिन है संडे का, शाम के समय जो वीडियो है वो कवर कर रहा हूँ। तो सर सुबह किस टाइम दूध वगैरह निकाला था इसका? 5 बजे आपने दूध निकाला था, तो 13 दिन की ब्याई हुई है, 13 दिन की हो गई यार, 13 दिन की ब्याई हुई। पशुधन आप देख सकते हैं बिल्कुल शराफत से भरपूर, मैं कहूँगा शांत स्वभाव में, और जबरदस्त जो वीडियो है काफी स्पेशल वीडियो मैं कहूँगा आज की होने वाली है। जितना भी पशुधन दिखाते हैं सारा साफ सुथरा, जो खरा पशुधन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और बच्चा अभी दूध पी रहा है, एक बार नजदीक से जो थनों का पोसा वगैरह है वो अपने पशुपालक भाइयों को जरूर दिखाना चाहेंगे। ये आप देखें जी, शराफत देखें, नसों का जो जाल है वो आप देखें, और थन पासे हैं वो आप देखें, काफी बेहतरीन, काफी जबरदस्त जो पोसाव है थनों का वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो समय के साथ जो मिल्किंग है वो करा रहा हूँ कांटे के तोल की सुपर मुर्रा बफलो हम कह सकते हैं। ये आप देखें,
संदीप भाई कोई भी भाई दो टाइम तीन टाइम चार टाइम जी टोल के लिए जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और जो कहते हैं ब्रीडिंग के लिए, हाँ, एक नंबर की ये है, ठीक है। तो चुवाई वगैरह कैसी है सर? एक नंबर की चुवाई, एक नंबर की। खाली बाल्टी दिखा दो, खाली बाल्टी आप देखे, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, वो एक ही धार मारी है। दूसरा थन ये आप देखें, बहुत बढ़िया। तीसरा और चौथा ये देखें, साफ सटीक जो मोटी धारे हैं, किसी तरह का छर्रा पपैया कोई दोष थनों में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है सर, निकाल लें तो। अच्छा, दोनों निकाल दोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो रेफरेंस के लिए एक मिल्किंग वीडियो आप सब पशुपालक भाइयों के सामने, और थर्ड लैक्टेशन की जबरदस्त बफलो कांटे के तोल पे जो दूध है वो आपको रख करके दिखा दिया जाएगा। काफ़ी बेहतरीन पशुधन, काफ़ी स्पेशल वीडियो आज की। नीचे अर्जुन बुल की हष्टपुष्ट जो फीमेल काफ बिल्कुल जेट ब्लैक टेल में, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। काफ़ी दमदार पशुधन, खड़ा होने का जो तौर तरीका, जो रोब है वो आप देखें, चौड़ा पीठ पुट्ठा, जबरदस्त जो बॉडी वेट है उसमें। तो थन जरूर थोड़े से मैं कहूंगा लंबे हैं, अदरवाइज दूध आप देख सकते हैं। जी जी, दूध आप देखें, तो सारा साफ सुथरा पशुधन दिखाना पसंद करेंगे पशुपालक भाइयों को। और जो मिल्किंग वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको फाइनल ना मान करके दो बार तीन बार चार बार आए, खुद देखे, जांचे, परखे लेकर के जाएं, क्यों कृष्ण जी? बिल्कुल पक्की बात है भैया, खुश हम इस बात में। जी जी, कोई भाई आके ले जाए तो और अच्छी बात है। हाँ हाँ, अपने सामने देख के ले जाए, बिल्कुल सही बात है सर। और लगभग एक महीने बाद एक और नायब में दिखाना चाहेंगे, वो जो आपके घर में है वही? हाँ, वो घर वाली झोटी है वो। अच्छा, वो 26 तारीख से 10 लग जाएगी। तो कितना दूध था उसका? 22 लीटर दूध दिया उसने दूसरी बार, दूसरी बार में। एक और जबरदस्त हाइट लेंथ की जो पशुधन है कृष्ण सर के घर पे, और बच्चा देने में अभी कितना टाइम बाकी है? लगभग एक महीना 10 दिन, एक महीना 10 दिन के समय करीबन जो समय है वो बचता है। तो काफ़ी अच्छी खासी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी इस पशुधन से होने वाली हैं। तो कोशिश, परमात्मा ने अगर सब कुछ ठीक ठाक रखा तो एक मिल्किंग वीडियो ज़रूर लाइव यहाँ से चलाई जाएगी आप सब पशुपालक भाइयों के लिए, और पशुधन की जो मिल्किंग है वो आप लोग देख पा रहे हैं। एक बाल्टी में नहीं आएगा? मैं फिर पहले काट ला दूसरी। अच्छा, इसको तो भर लेते पहले। हाँ, इसको भर लो पहले, कोई बात नहीं, दूसरी में बाद में निकाल लेना, क्या दिक्कत होगी सर? पशुधन आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल शांत स्वभाव में खड़ा हुआ है, और बिल्कुल ठंडा जो पशुधन है वो मैं कहूंगा। तो न सिर्फ कटड़ियों की खरीद बेच का काम करते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं जो बाकड़ी भैंसे हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। भाई तकरीबन मैं वही लेकर आता हूँ जिसकी माँ लगभग देख रखी है। अच्छा, और छोटी भी उसी की दूंगा जिसकी माँ देखी हुई है, ठीक है। अब इसके पास में जो कटड़ी है वो इसी की है। अच्छा, पिछले ब्याज की, ठीक है, एक नंबर की सिलेक्टेड कटड़ी है। जी जी जी, तो आप कृष्ण जी अंगूठे से दूध निकालते हो? या थोड़ी सी बड़ी बाल्टी ले रही। अच्छा, मुट्ठी से भी निकाल लेते हो, अंगूठे से भी है? दोनों तरह। ना ना, अभी अभी चलने दो, चलने दो, मैं बता दूंगा, कोई बात, चलने दो, अभी गुंजाइश है। अगाड़ी में लगभग 3.5 और 4 किलो दूध है। अच्छा हाँ, 4 किलो से 100-200 ग्राम कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, 3.5 तो कन्फर्म है ही, ठीक है सर। इतना दूध हम बच्चों को पिलाते हैं इसलिए हम नहीं कह पा रहे भी पक्का दूध कितना है। जी जी, बहुत बढ़िया, क्योंकि क्लियर निकाला नहीं है ना। ठीक है, बदल लो सर बाल्टी। बस बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। खाली बाल्टी दिखा देते कृष्ण जी एक बार, ठीक है ठीक है ठीक है।
दूध एक निकालो, दो निकालो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चे को लास्ट में छोड़ते हो? हाँ, लास्ट नहीं, पहले पिलाते हैं दो थनों का। अच्छा, कभी एक का कभी दो का। ठीक है, मतलब ये समझो जी 20 किलो तो देना ही देना है कन्फर्म काटे का तोल का। जी जी, बहुत बढ़िया। अब की बार उम्मीद 22-23 किलो की है। तो अभी तो मैले वगैरह से भी लगेगी। हाँ, मैले से नहीं आई अभी। हाँ, किलो दो किलो दूध उसमें भी बढ़ेगा, और काटे का जो दूध है अभी हाल फिलहाल में आप अच्छा ही बता रहे हो। तो ये 24 लीटर है। हाँ हाँ, ठीक है। काटे को यहाँ रख लो बेटा, बीच में। नहीं नहीं, थोड़ा सा ऊपर। हाँ हाँ, ठीक है। इस पे रख लो। हाँ, इस पे रख लो, कोई बात। ठीक है, ये बहुत बड़ा छोड़ने। दूध आप देखें जी, और सबसे पहले जो काटा है दिखाना चाहेंगे पशुपालक भाइयों को। जीरो पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। बाल्टी खाली है? खाली। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। ये देखो, ठीक है, ठीक है। बाल्टी का वजन है, ठीक है। अब ये देखो, जीरो, बिल्कुल जीरो है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है, रखें। बहुत बढ़िया, दूसरी बाल्टी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो जाग वगैरह पूछ लो थोड़े से। नहीं, थोड़ी बड़ी होगा। अच्छा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये आप देखें, 9 किलो 735 ग्राम। सुबह 5:30 बजे दूध निकाला था आपने, 5:15 के आसपास। 5:15, तो आधा घंटा मान लो, बस इतना ही है। आधा लीटर मान लो, आधे घंटे में इतना ही है ना। ठीक है, कोई भाई चार टाइम निकाले। हाँ, बड़ी खुशी होगी। ठीक है, और जो ब्रीड ब्रीड बोलते हैं, कई कहते हैं ये होती है एक नंबर की चीज। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो सर, इस तरह की तो कितनी मिलती है आपको पूरे दिन फील्ड में? 100 में एक आध। ठीक है, मुश्किल से। बहुत बढ़िया, एक और है अपने पास, वो बाद में दिखाएंगे। ठीक है, दो भैंसे और दिखा रहे हो इसके साथ? एक तो ये है, पिछले वीडियो में जो लांडी बहने वाली थी वो। अच्छा, लास्ट वीडियो में थी ये। ठीक है, 6 दिन की ब्याई। 12 लीटर दूध तैयार है। 12 लीटर दूध, नीचे बच्चा मेल काफ। ठीक है, ठीक है। और एक कम पूंजी के, इधर देखो जी, कम पूंजी के भाई का ग्राहक पूछते रहते हैं। हाँ, ये मोटी भैंस, ठीक है, 12 किलो दूध है। हाँ, ये बहुत अच्छा है, तोला तो है नहीं, लेकिन अच्छा की है। ठीक है, ये जमींदार किसान के लिए जो घर रखने उसके लिए एक नंबर की है। तो कितने दिन की ब्याई होगी? ये ब्याई होगी 25 दिन की। 25 दिन की, इसके 70,000 रूपए। अच्छा, और इसके 85,000 रूपए। 85,000 रूपए, आज इतना वाजिब दाम कर रहे हो। और इस धोटी के हैं जी 1,70,000 रूपए। 1,70,000 रूपए, ये आप देखे। अपना 4 टाइम निकाले, 5 टाइम निकाले जी, 2 दिन बाद निकाले, महले पे आ जाएगा, आराम से फुल दूध हो जाएगा। ठीक है, हमने इसका 18 किलो का रखा था जी, लीटर के करीब 20 था जी, लेकिन 19 भी हो सकता है। ठीक है, और दोनों टाइम बारी खींचे चले तो 20 भी, लेकिन बच्चा भूखा थोड़ी मार। बहुत बढ़िया, बहुत। अगला भाई देखे तो 18 किलो मान के देखे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और बहुत शरीफ झोटी जी। तो तीसरे ब्यात की जबरदस्त जो बफलो है, सुपर मुर्रा बफलो हम कहेंगे, दूध आज अभी देखें काटे पे 9 किलो 730 ग्राम जो दूध है वो एक समय का। इसके साथ साथ जो दो पशुधन हैं वो और भी दिखाए हैं। एक की कीमत है 70,000 रूपए, दूसरे वाले की है 85,000 रूपए। 70,000 जी, लांडी के हैं 85,000 रूपए। और बताता हूं भाई एक बात जी, इसके 90 और 95 में लगे थे पिछले वीडियो में। अच्छा, इसके अगले थन में एक में कम दूध है, कम दूध है, आधा दूध। ठीक है, इसलिए इसके रेट कम है, डेयरी वाले के मतलब की है। तो जो भी जानकारी देंगे सारी साफ, 16 किलो दूध आराम से निकालेगी कांटे का तोल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तीन पशुधन दिखाए हैं, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तीनों सेल के लिए अवेलेबल। तो इनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।